अस्सलाम अल्लाम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ फ़िज़ा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा में तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतना सॉफ़्ट मोइस्ट टी टाइम वनीला स्पॉन्च केक रेसिपी शेयर कर रही हूँ इतना डिलीशियस आप लोग टी टाइम केक किस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं बिलीव में गाइस लड़कियों को बहुत शौक़ होता है केक बनाने का लेकिन उनसे परफेक्ट केक नहीं बनता तो मेरे आज की रेसिपी की स्पेशल बात यह है कि अगर आप बिगनर भी हैं ना तो आप भी मेरी रेसिपी को पहली दफ़ा ही इतना परफेक्ट बना सकती हैं सबसे पहले एक मोल्ड में आप लोगों ने ऑयल ग्रीस करना है और उसके ऊपर कोई भी आप लोगों ने पेपर लगा लेना है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर बटर पेपर है तो तभी आप लगाएं आप लोग सिंपली अखबार भी लगा के उसके ऊपर दोबारा से ऑयल से कोट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप लोगों ने उसे साइड पर रख देना है नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं दो रूम टेम्परेचर अंडे ले लेने हैं आप लोगों ने वन टी आप लोगों ने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करना है ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप लोग ये ऐड करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा केक में फ़्लेवर आएगा और दूसरा ये अंडों की स्मेल को भी दूर करेगा तो ये मैं अंडों में डाल के अच्छे से अंडों को बीट कर लूँगी और मैंने इतना बीट करना है कि हमारे जो एग्स हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं अंडे बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी होने चाहिए ठीक है तो बीटर को मैं मैं चलाऊँगी तकरीबन तीन से चार मिनट के लिए अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो ये सारा स्टेप आप लोग करेंगे ब्लेंडर में ठीक है और आप लोगों ने फिर ब्लेंडर में ये सारा काम करना है एग्स को बीट करना है आप लोगों ने फिर उसके बाद आप लोगों ने हाफ़ कप लेवल चीनी ले लेनी है चाहे तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप लोगों के पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो कोई बात नहीं आप लोग फिर दानेदार चीनी भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको इतना बीट करूँगी कि हमारे जो अंडे हैं वो साइज़ में डबल हो जाएं डबल ट्रिपल हो जाएं और आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी से हो जाएगा और ये ब्लेंडर में भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे अंडे वीट हो रहे हैं इसका जो कलर है वो फुल वाइट होता जा रहा है ठीक है तो यहाँ पे ये देखिए हमारे अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं हमें इतने ही चाहिए थे थी, ठीक है अब आप लोगों ने क्या करना है वन थर्ड कप आप लोगों ने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है ऐसा कुकिंग ऑयल ऐड करना है जिसकी अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो और ऑयल ऐड करने के बाद आप लोगों ने एक स्पेचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर एक कप छना हुआ मैदा ऐड करेंगे मैंने मैदे को दो से तीन दफ़ा अच्छे से छाना और उसके बाद इसको लेवल कप में मैयर किया और तब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चाहें तो आधा आधा आप लोग चाहें तो मैदा ऐड कर सकते हैं लेकिन आप लोग एक ही दफ़ा में भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने ऐड किया है और अब आप लोगों ने मैदा ऐड करने के बाद इसको कट एंड फोल्ड की टेक्निक से ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करते रहना है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा आप लोगों ने परेशान नहीं होना और ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया कितना क्रीमी टेक्सचर में हमारा बैटर बन के तैयार हुआ है लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुआ इसके अंदर हम लोगों ने टू टेबल स्पून के करीब दूध ऐड करना है और दूध ऐड करने के बाद दोबारा से आप इसको अच्छे से कर लें मिक्स और ये बहुत ही आसान मेरी आज के केक की रेसिपी है आप लोग इस मेथड से फॉलो करेंगे कि मानिए आपका जिनका केक फ्लफ़ी नहीं बनता फूलता नहीं है तो वो लड़कियां स्पेशली मेरी आज के टेक्निक को फॉलो कर सकती हैं अब आप लोगों ने इसके अंदर वन टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर ऐड करना है बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ़ बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे और वन टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा से इतने अच्छे से मिक्स करें कि इसके अंदर कोई गुटली कोई लम्स ना हो उसके बाद आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर लिक्विड येलो कलर ऐड कर देना है ये भी ऑप्शनल है लेकिन इससे केक की लुक हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी यहाँ पर हम लोग केक को ओवन में बेक नहीं कर रहे हम लोग पतीले में बेक कर रहे हैं तो जो मेन डिफरेंस है ओवन और पतीले का वो ये है कि जब भी आप लोग केक को पतीले में बेक करते हैं तो उससे एक ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सा कलर आता है पतीले में वो कलर नहीं आता वो कलर सिर्फ ओवन में आता है तो सिर्फ आप लोगों को कलर का डिफरेंस लगेगा लेकिन खाने में और फ्लफ़ी होने बिल्कुल वो वैसा ही है जैसा कि आप लोग ओवन में बेक करते हैं और ये देखिए बहुत ही लम्स फ्री बैटर है हमारा ना बहुत लिक्विड है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और इसको मोल्ड में डालने के बाद दो से तीन दफ़ा टैप टैप करना है और इसको आप लोगों ने पतीले पे बेक कर देना है फोर्टी मिनट्स के लिए बहुत ही दम वाले फ्लेम पे तो ये देखिए गाइस जी जो आप लोगों को कलर नजर आ रहा है इसको मैंने कलर देने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं आया तो परेशान नहीं होना पतीले में कलर नहीं आता ऊपर से कलर आएगा ओवन में पतीले में नीचे से भी बहुत अच्छा सा कलर आया होगा ब्राउन लेकिन ऊपर नहीं आया ठीक है तो इस चीज़ की आप लोगों ने परेशान नहीं होना तो ये देखिए नीचे से कितना परफेक्ट कलर आया है बहुत ही गोल्डन ब्राउन सा और अब आप लोगों ने क्या करना है कि देखें कितना हमारा फ्लफ़ी केक बन के तैयार हुआ है अब जो हम लोगों ने इसके नीचे पेपर लगाया हुआ था उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक बन के तैयार हुआ है जिसको हम लोगों ने बनाया है पतीले में विदाउट ओवन और अब मैं इसकी कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट मॉइस्ट स्पंची है और कितना जालीदार केक हमारा बन के तैयार हुआ है तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है जिनको केक बनाने का शौक है आप लोग उनके साथ मेरी रेसिपी शेयर कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ये देखिए ये सारी मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है और एक स्लाइस में आप लोगों को इसका करीब से दिखा रही हूँ और ये देखें कहीं से भी यह मार्केट से कम नहीं है आप जब इसको खाएंगे तो ये मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा और फ्रेश आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज़